उस मन को कहां ढूंढूं? उसके घर का कोई पता भी तो नहीं मेरे पास। वो बाबूजी का कंपाउंडर था, इसके सिवाय मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरी अपनी कोई सहेली या कोई अपना होता तो मैं उससे मन की तलाश करवा सकती, मन तो एक सांप की तरह मुझे डस गया और उसका जहर मेरे रग रग में फैल गया है। इस जहर का इलाज मेरे पास नहीं, जिसके पास इसका इलाज था मन तो कहीं खो गया है। अब इस बढ़ते पेट को बाबूजी से छिपा पाना बहुत मुश्किल है। अब और कोई इलाज नहीं कर सकती मैं। इसी वक्त फैसला करना होगा। बाबूजी, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूं। बहुत दूर मुझे जिंदगी नहीं मिली तो क्या मैं अपनी मर्जी से मौत को तो सा गले लगा सकती हूं? बाबूजी, मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो सरला मौसी का आश्रम मुझे सहारा दे सकता है या फिर मौत। हाँ बाबूजी, मैं ऐसी हो गई। आप एक बार मेरी ओर देखे होते, आपकी कुंती।
मुझे माफ करना। पीछे से देखने पर वो आदमी बिल्कुल मन जैसा लगता है। अभी अगर एकदम नहीं तो कुछ साल बाद मन ऐसा ही दिखेगा, अगर वो जरा सा मोटा हो जाए तो। इस जोड़े को देखने से लगता है जैसे मैं, मन और मेरा बेटा चले आ रहे हूं। ऐसे ही तो दिखेंगे हम। मेरी उंगली पकड़कर मेरा बेटा चलेगा और मन साथ में। शायद वो किसी मुसीबत में हो और चाहकर भी मेरे पास ना आ रहा हो। ऐसे में अगर मैं आत्महत्या कर लूं और वो वापस आ जाए तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो आ जाएगा तो फिर मेरी शादी होगी, फिर कुछ दिन बाद हम अपने बच्चे के साथ ऐसे ही घूमने निकलेंगे। जाती हूँ, बाबूजी को सब बता दूंगी, वो जरूर मुझे माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे। बाबूजी, ये आपका घर छोड़कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं रही कि आपके सामने अपना चेहरा दिखा सकूं। मैं किसी के बच्चे की मां बनने वाली हूं। या तो मुझे सरला मौसी का आश्रम सहारा देगा या फिर मैं किसी खाई में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मेरी हालत ऐसी हो गई है बाबूजी। काश आपने एक बार मेरी ओर देखा होता, मेरी परेशानी को समझा होता, मुझे माफ कर देना बाबूजी। तुम मर गई, मर गई मेरे लिए। नाशिनी तू जिंदा रही ना तो कभी मुझे सूरत मत दिखाना अपनी। आज से तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गई।
बात तो सुनिए। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती।